तो कैसे है, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बेहतर और स्वस्थ होंगे। और आपको यहाँ पर एक मेजर अपडेट जो सामने निकल के आ रही है आपके रिजल्ट को लेकर, कि रिजल्ट का आखिर डेट क्या होगा, क्योंकि सीबीएसई के द्वारा से अभी तक कोई ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी कोई ट्वीट नहीं किया गया है और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। वही आईसीएसई बोर्ड जो है उन्होंने बताया कि अभी हमें रिजल्ट में डिले है, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दिया लेकिन सीबीएसई की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट अभी तक नहीं आई है, जिस पर हमारे लाखों छात्र परेशान है कि आखिर रिजल्ट डिक्लेयर कब किया जाएगा। इस पर एजुकेशन मिनिस्टर का जो है एक स्टेटमेंट आया है लीडिंग न्यूज चैनल से बात करते हुए, और एक बिग अनाउंसमेंट उन्होंने यहाँ पर किया है, और ये आप आर्टिकल्स देख सकते हैं, सर्च कीजिए india.com में, आप वहाँ भी आप देख सकते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा फ्राइडे को, इन्होंने डिस्कस किया है सीबीएसई को मेंबर से और चेयरमैन से, और सारी डिटेल इन्होंने इस लीडिंग न्यूज चैनल से बात करते हुए उन्होंने बताया कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ऑन सैटरडे मेड द बिग अनाउंसमेंट ऑन द रिजल्ट डिक्लेरेशन एंड सेट इट विल बी रिलीज एज पर द शेड्यूल एंड विल नॉट डिले। कह रहे हैं कि ये डिले नहीं हो रही है, रिजल्ट अपने समय पर निकलेगा। स्टूडेंट यहाँ पर इन्होंने आगे बात करते हुए उन्होंने बताया, एजुकेशन मिनिस्टर जो है एक प्रोग्राम में भाग लेते हैं, उन्होंने बताया कि इवोल्यूशन प्रोसेस टेक द टाइम, सीबीएसई विल डिक्लेयर द रिजल्ट एज पर द शेड्यूल, ठीक है। लेकिन यहाँ आगे बहुत ही एक चौंकाने वाली बात और उन्होंने कहते हैं कि रिजल्ट को प्रिपरेशन करने में 45 डेज लगता है, ठीक है, और अभी हमारा सिर्फ जो है वो 30 डेज गुरा है, 15 दिन अभी और बाकी है। तो उन्होंने क्या बताया कि एग्जामिनेशन वे आर अंडर वे टिल द जून 15 जून तक आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था एंड इट द टेक एटलीस्ट 45 डेज फॉर द एवल्यूशन प्रोसेस, ही फर्दर एडेड दैट द ओनली 30 डेज एंड 15 डेज नीडेड फॉर एवल्यूशन, यानी 15 दिन अभी और समय लगेगा। इन्होंने बताया है कि he said he had a discussion with the CBSE officer officials on Friday regarding the result declaration matter and added the CBSE result will be released at the right time. तो सबसे बड़ी बात ये मैं आप बताऊंगा कि यहाँ पर जो सीबीएसई के जो लीडिंग न्यूज़ से बात करते हुए एजुकेशन मिनिस्टर ने जो बात बताई है कि रिजल्ट में अभी भी 15 दिन समय और लगेगा। जैसा कि मैंने आपको हर वक्त एक सही अपडेट देने की कोशिश करता हूँ, देखिए अब आप तो india.com में भी सर्च कर लीजिए, वहाँ भी ये आर्टिकल छपी हुई है, आउटलुक में भी देख लीजिए, वहाँ भी एक आर्टिकल है जिसमें बताया गया कि 15 दिन और रिजल्ट डिले होगा। इकोनॉमिक टाइम्स में देखिए, जो कि नेशनल लेवल के एक लीडिंग चैनल है, वहां से भी अगर आप देखेंगे तो वहां भी बताया जा रहा है 15 डेज और लगेंगे। जैसा कि मैं आपको हमेशा कहा था कि कम से कम एवल्यूशन में 45 डेज लगेगा और रिजल्ट जो का डेट जो आने की संभावना है, जो मैंने आपको हमेशा ये बात को कहा था, हर वीडियो में बताया कि रिजल्ट आने में अभी डिले है, कम से कम जुलाई के 15 से 24 के बीच में मेरा डेट हमेशा मेंशन था। तो स्टूडेंट्स ये आप देख लो कि रिजल्ट जो है आपको 25, 26, 27 के बीच में ही, इसी बीच में लास्ट वीक ऑफ जुलाई में आपको एक क्लास का रिजल्ट को देखने जरूर मिलेगा। सो स्टूडेंट्स ये सही इंफॉर्मेशन है, क्योंकि देखिए 4 तारीख को भी रिजल्ट के बाद अनाउंसमेंट किया गया मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 10 को किया गया, 15 को भी किया गया, लेकिन सिर्फ मैंने हमेशा वीडियो पहले डाल के आपको बताया था रिजल्ट आज डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है कि रिजल्ट जो है हम लोगों में अभी और भी इंतजार करना पड़ेगा। सो गाइज आप लोग फर्दर स्टडी यानी आगे की पढ़ाई के लिए तैयार रहिए और स्टडी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत डिले हो जाएगा। और बच्चे तो, और UGC का भी नोटिफिकेशन में भी ये कहा गया है, जो उन्होंने सारे इंस्टीट्यूशन में जो भेजा है उसमें भी उन्होंने कहा है कि 1 मंथ का समय लगेगा रिजल्ट डिक्लेरेशन में। तो ओवरऑल तो रिजल्ट हम लोगों का जो लास्ट वीक ऑफ जुलाई को देखने को मिलेगा। सो गाइज वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, सही इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल पे अगर आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखो, बेल ऑप्शन ऑन कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट और बेहतर अपडेट के लिए। कल और भी बहुत ही सुबह मॉर्निंग में ये सारे पिक्चर जो है वो इसका क्लियर हो पाएगा। तो स्टूडेंट्स लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।